यस जेईई एडवांस फिजिक्स एक एक्सरसाइज सेक्शन एफ स्टार्ट कराई थी मैंने, शुरू के चार क्वेश्चन इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में मैंने सॉल्व करवाए थे। इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओनली क्वेश्चन नंबर सिक्स इस वीडियो में सॉल्व करवा रहा हूं और ऑलमोस्ट मैंने संकेतात्मक रूप में लिख दिया सब कुछ, बाकी मैं बता रहा हूं क्या करना है और एक्स की वैल्यू में अल्टीमेट फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन समझिए पूरा क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इंटीग्रल वैल्यू इसकी आनी चाहिए एक्स की। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक एम मास की बॉडी को यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल मेजर करते हुए थ्रो कर दिया गया और जनरल मोशन इज टेक प्लेस। कह रहा टी इक्वल टू जीरो पे इसको थ्रो किया गया, वो कह रहा जब टाइम इतना हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम इतना है, एट टाइम टी इक्वल टू 3u/4g एंगुलर मोमेंटम इज दिस, सो व्हाट शुड बी एक्स। सिंपल क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम। प्रोजेक्टाइल मोशन टॉप पॉइंट, टोटल टाइम पीरियड होता है 2u sin θ/g, तो हाफ हो जाएगा u sin θ/g। पहले ये चेक कर लें ताकि इस टाइम का पता चल जाए कि टॉप पोजिशन में पहुंचने से पहले की बात है या बाद की बात है, कि इस बात का बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो टाइम पीरियड टॉप पे पहुंचने का u sin θ/g u/2g या 2u/4g या 3u/4g, 3u/4g से निश्चित रूप से छोटा है। ये टाइम जो बोल रहा है वो इस मिड पोजीशन को पार कर चुका है, यानी कि स्थिति इसके बाद बनेगी, ये इसकी स्पीड रहेगी झुकते हुए, जिसका एक कंपोनेंट अभी हॉरिजॉन्टल रहा होगा और एक डाउनवर्ड हो चुका होगा, इससे पहले से भी अपवर्ड रहता है और हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती। तो u cos 30 मीन्स अंडर रूट 3/2, तो यहां पे भी वही रहेगी क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती, u√3/2। रही बात इस मोशन की, तो वर्टिकल मोशन के लिए आप v इज गुड यू माइनस जी ड्यूज कीजिए माइनस अपवर्ड मोशन, स्पीड इज डिक्रीजिंग सो टेक माइनस साइन। कितनी स्पीड हो जाएगी, इनिशियल थी u sin 30/2 और टाइम है 3u/4g, जी कैंसिल, u/2 - 3u/4, तो 2u/4 - 3u/4, तो u/4 माइनस u/4 2u/4 - 3u/4 2 - 3 - 1 - u/4 और माइनस वन आनी थी टॉप पर, उसमें बात तो वर्टिकल स्पीड डाउनवर्ड हो चुकी, तो इसका मैग्नीट्यूड है u/4 जिस मोमेंट की बात कर रहा है उस मोमेंट में लीनियर स्पीड और हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल स्पीड निकाल चुके हैं, इतनी स्पीड और इनटू एम कर देंगे तो ये मोमेंटम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये मोमेंटम डाउनवर्ड हो जाएगा। इसके अबाउ इसकी लोकेशन देखें, इसका जो डायरेक्शन है इसके अबाउट इस तरह से घूमती हुई है,
एंटी क्लॉकवाइज और इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के एंगुलर मोमेंटम प्लस हो जाएंगे। भाई इसी कारण से ये चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी था पहले, अगर यहां होता तो ऐसे में होता, ये कंपोनेंट तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता, सॉरी क्लॉकवाइज होता, जबकि ये वाला कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज होता। इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में सीधे प्लस हो जाएंगे। अब क्या रहेगा आपका लीनियर और ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसके अबाउट मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है रखा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर या ये लीनियर मोमेंटम इनटू इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके को आएगी वाई कह दीजिए इसको, और ये वाली वेलोसिटी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आएगी, इसको एस कह दीजिए। बस एक्स और वाई निकालना और रह गया, बस आपका लीनियर मोमेंटम आराम से निकल जाएगा। तो अब निकालिए पहले एक्स, एक्स निकाल दीजिए पहले। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट होती है तो वी टी यूज कर लोगे, स्पीड है यू अंडर रूट थ्री बाई टू यू टी, और टाइम है यहां तक पहुंचने का थ्री यू अपॉन फोर जी, थ्री यू अपॉन फोर जी। यह आ गया आपके पास थ्री अंडर रूट थ्री यू स्क्वायर अपॉन एट जी, ये डिस्टेंस है। वाई निकालिए फॉर वर्टिकल मोशन, वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू अपर डायरेक्शन नहीं है, यू साइन थर्टी एंड यू बाई टू, यू टी आप इसे निकाल दिए, यू टी टाइम है थ्री यू अपॉन फोर जी, थ्री यू अपॉन फोर जी इनिशियल थ्री यू बाय टू एंड अपर डायरेक्शन में एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर नाइन यू स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन जी स्क्वायर, थ्री यू बाय एट जी माइनस एक जी कट जाएगा नाइन ये यू स्क्वायर जाएगा सॉरी थ्री यू स्क्वायर अपॉन एट जी नाइन यू स्क्वायर अपॉन सोलह दिन बत्तीस थर्टी टू जी, चार अठे बत्तीस चार सौ इंटू कर लीजिए ये तो आ जाएगा थर्टी टू जी, चार चार थे बारह, बारह माइनस नौ थ्री यू स्क्वायर, थ्री यू स्क्वायर ये वाई डिस्टेंस कर दी। नाउ अब आप लीनियर मोमेंटम निकाल दें इस मोमेंट जो कि इसके फॉर्मेट में आ जाएगा और पता चल जाएगा एक्स जगह क्या देखा जाएगा, दैट्स ऑल। चलिए दोनों के लीनियर मोमेंटम क्लॉकवाइज हैं तो सीधे प्लस हो जाएंगे। पहले इसका देख लीजिए, इसका मोमेंटम एम मास इंटू स्पीड है यू अंडर रूट थ्री बाय टू ये मोमेंटम हो गया, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे वाई के इक्वल आएगी इंटू वाई, वाई की वैल्यू है थ्री यू स्क्वायर अपॉन थर्टी टू जी, ये तो आ गया इसका मोमेंटम प्लस इसका प्लस एम यू बाई फोर ये मोमेंटम हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, एक्स आपने निकाला था थ्री अंडर रूट थ्री यू स्क्वायर अपॉन एट जी, ठीक है जी। अब क्या है कि आप तो रिप्लाई देख लोगे, मुझे जैसे स्पेस चाहिए बस यहां पर देता हूं, देखिए जी बत्तीस दूनी चौसठ जी आएगा, यहां आठ सौ बत्तीस जी आएगा,
तो आप एक काम करें, और वैसे 64 लीजिए तो एल इज इक्वल एल से ले लीजिए 64 जी, तो 32 64 जी, इसका तो है ऑलरेडी नहीं, तो ये तो हो गया 3√3 MUQ, 3√3 MUQ। अब जो 32 2 64 200% इंटू करनी पड़ी 64 बनाने के लिए, तो 2 3 6 6√3 MUQ, 6√3 MUQ इज इक्वल टू 3 MUQ, 6 + 3 9 9 3 MUQ अपॉन 64 जी, 6 3 9 3 MUQ, ठीक 64 जी 3 MUQ, सो दिस विल बी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। ओके सिंपल, ओके बाय।